हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर UPSI से संबंधित आपकी तैयारी चल रही है और लगातार आपके वीडियो यहाँ पर आ रहे हैं, GK GS साथ में आपकी हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यहाँ पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको यहाँ पर वीडियो ला सकें। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देखिएगा, आपको संकेत से संबंधित एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, यहाँ पर जितने लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो यातायात का संकेत दिया है इसका अर्थ क्या होता है। चलिए साथियों इसका जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आगे सड़क पतली है। इसका मतलब क्या होता है, आगे सड़क पतली है। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है। इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है, यहाँ पर जवाब देना है और सभी साथी जवाब देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी। इसका मतलब होता है रुकिए, ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है रुकिए। तो ऑप्शन आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर अर्थात स्टॉप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पॉइंट और आपका है, ये जो आपका बना होता है उसे होता है नो पार्किंग। इसका अर्थ है कि इस एरिया में किसी को भी अपने वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अगला आपका सिंबल आ चुका है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और ऐसे प्रतीक भी आप रास्ते में जाते हैं तो देखने को जरूर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा सही क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इस प्रकार का सिंबल आपने देखा होगा राह चलते, और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा। तो ऑप्शन राइट आप यहाँ पर डी हो जाएगा, आगे रास्ता घूमकर है। आगे रास्ता घूमकर है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे आपने संकेत देखा होगा और यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा, दिया गया है आगे खतरनाक ढलान है, आगे रास्ते घुमावदार हैं, आगे दो मोड़ हैं, पहला बाई तरफ, और डी नंबर दिया है धीरे चले। क्या होता है इसका जवाब, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर, आगे दो मोड़ हैं, ठीक है, पहला बाई तरफ है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं करता है। कौन सा पूर्वानुमान नहीं करता है बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है। पूर्वानुमान नहीं करता है बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है। तो यहाँ पर फाइव का जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, परिवेश, ठीक है। क्या हो जाएगा, परिवेष्टन सूचकांक, सूचक, परिवेष्टन सूचक अर्थात ये लंबी अवधि की रुझान की पुष्टि करता है। और अगला है कि इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका संकेत दिया गया है और इसका जो आपका अर्थ होता है क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सड़क नीचे जाती है, आगे सपाट रास्ता है, आगे अवरोध है या आगे संकरा पुल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर, देख सकते हैं कि ऑप्शन में यहाँ पर इस चित्र का तात्पर्य होता है आगे खतरनाक गहराई है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका कह सकते हैं नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गहराई से संबंधित होता है इस प्रकार का कि आगे क्या है, खतरनाक गहराई है, ठीक है। चलिए अगला है कि इस यातायात प्रतीक का अर्थ बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रतीक आपसे पूछा है कि अगर आपका ऐसे सिंबल कोई बना हो, रास्ता बंद है, आगे रास्ता नहीं है, टी जंक्शन या आगे संकेतक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, ये टी जंक्शन है, ठीक है, ये आपका टी जंक्शन है अर्थात जहाँ पर टी आकार की सड़कें आकर मिलती हैं तो टी जंक्शन उन्हें कहा जाता है, ठीक है। इधर से भी जाएं और उधर से तीन राहों वाला हो। और अगला क्वेश्चन है कि इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या नाम है। इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या नाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके प्रतीक और ऑप्शन आपके ये दिए गए हैं,
कि आगे असमान सड़क है, अग्रेसित स्तर को आगे बढ़ाया गया, अजीब स्तर आगे बढ़ रहा है, खराब सड़क आगे है। जवाब हो जाएगा यहाँ पर ये मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग प्रदर्शित करती है। ठीक है, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग आपकी है, इनमें से कोई ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है कि आगे कई मोड़ हैं, ओवरटेक करना मना है, आगे रास्ता फिसलनदार है या आगे तीव्र गति वाहन है। क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आगे रास्ता फिसलनदार है। ठीक है, आगे रास्ता फिसलनदार है। और यहाँ पर देखो नो ओवरटेकिंग मतलब इस प्रकार से आपका सिंबल बना होता है, इसका मतलब होता है कि आप किसी वाहन के आगे निकलने की कोशिश ना करें। ठीक है, ये सिंबल आपका बना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से अगर कहीं पर बना हुआ है कि आगे कंपन्य पट्टी है, आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, आगे दो गति अवरोध हैं और आगे पहाड़ी रास्ता है, क्या बताएंगे इसको और जवाब इसका क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पर जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन को आप आते हैं, कह रहा है आपसे कि इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है, इसका बताना है कि इसका आपका जवाब क्या हो जाएगा। इस तरह से कोई अगर आप सिंबल बना है और तो जवाब क्या होगा, आगे जाने दें, आगे वाहन पार्क किए हुए हैं, आगे खतरा है, आगे कोई प्रवेश नहीं है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ये नंबर, आगे जाने दें। ठीक है, आगे जाने दें, ये आपका होता है। सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि इस यातायात चिन्ह का क्या तात्पर्य है, अगर इस प्रकार से कोई चिन्ह बना है तो इसे क्या कहेंगे। आगे चौराहा है, आगे अस्पताल है, आगे दवाखाना है, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है, क्या होगा आपका। तो सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, आगे चौराहा है। ठीक है, आगे चौराहा है। अगला क्वेश्चन है, इस प्रतीक जो इस यातायात प्रतीक से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपका बना होता है आपका सिंबल, तो इसका अर्थ क्या बनता है, तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, तिराहा। ठीक है, तिराहा आपका इस प्रकार से होता है। और अगला है कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या होता है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बस निषिद्ध, आगे बस डिपो, बस स्टॉप, बस आ सकती है, बस पार्क करना मना है। तो मना तो नहीं होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका बी नंबर, आगे बस डिपो या कह सकते हैं बस स्टॉप है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो चीज़ दिया है कि यातायात चिन्ह का अर्थ होता है कि बस निषिद्ध अर्थात बस का आना जाना मना है, इस प्रकार से बना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है, यहाँ पर बताना है इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका 15 का सही जवाब हो जाएगा, देखो साइकिल चलाने की जगह मोटरसाइकिलों का आना आना मना है और मोटर गाड़ियों का आना मना है, मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है, साइकिल चलाना मना है, सही क्या हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन आपका सी, मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए आपका है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इस प्रकार से बना हो, देखो यहाँ पर तो क्या होता है, साइकिल चलाना मना है अर्थात छोटे वाहन आना वर्जित हो जाएगा, इस प्रकार से अगर बने हैं तो। अगला है इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ हो जाएगा, चलिए ये आपका ट्रैफिक आ गया है और यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रैफिक में आपका दिया है कि आगे फर्नीचर की दुकानें हैं, अस्पताल है, विश्राम स्थान है या आवासीय क्षेत्र है। ऐसे अगर आपने देखा हो तो ये आपका होता है क्या, विश्राम स्थान। ठीक है, क्या बना होता है, ये विश्राम स्थान होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है, इस प्रकार से आपने बहुत देखा होगा, और आसपास घूम रहे पशुओं के प्रति सतर्क रहें, आगे रास्ता नहीं है, आगे लेवल क्रॉसिंग है, आगे खतरा है, क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 17 का हो जाएगा डी, आगे खतरा है। ठीक है, अगला है कि इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि केवल गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल आ सकती हैं, आगे गाड़ियाँ तेजी से चल रही हैं, गाड़ियों की आवाजाही से सावधान रहें, मोटर गाड़ी आना मना है।
तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ये नंबर, केवल गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल आ सकती हैं। अगला है कि इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या होता है। देख लीजिए, इस प्रकार का चिन्ह अगर बना हो, और ऐसे चिन्ह काफ़ी बने होते हैं कि आगे सड़क चौड़ी हो रही है, आगे पुल है, आगे पुल संकरा है, आगे केवल एक मार्ग है, तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा सी नंबर, आगे पुल संकरा है। ठीक है, और अगला है 20 नंबर कि इस यातायात संकेत का क्या मतलब है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि आगे तेज गति यातायात, आगे यातायात एक तरफा है, आगे यातायात सीधा दो तरफा है, आगे दो लेन सड़क है। सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, आगे यातायात सीधा दो तरफा है। ठीक है, सीधा दो तरफा है, और इस यातायात चिन्ह का आपको बताना है, इस प्रकार से अगर बना हुआ है तो ऐसे चिन्ह को हम लोग क्या बोलेंगे। आगे खतरनाक सड़क, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र, धीरे चले, बहुत ढलान, क्या बोलेंगे, डी नंबर, बहुत ढलान। अगला क्वेश्चन है, इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दाई ओर मोड़ नहीं, मुक्त दाया मोड़, अनिवार्य दाया मोड़, रास्ता दाएं जाता है। तो देख सकते हैं जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, अनिवार्य दाया मोड़। ठीक है, दाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है। अगला है, नीचे दी गई छवि क्या दर्शाती है। साइकिल नहीं है, साइकिल पार्किंग, केवल साइकिल, हरित क्षेत्र, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, केवल साइकिल, अर्थात जो छवि केवल साइकिल दर्शाती है, किसी अन्य प्रकार के वाहन के लिए सड़क लेन का उपयोग निषिद्ध होता है। तो यहाँ इतने हमने यहाँ पर लिए थे, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, और काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न थे, देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, और ऐसी अगर आपको तैयारी करना है, हर एक पॉइंट लेके चलेंगे, कोई ऐसा आपका यहाँ पर पॉइंट नहीं छूट पाएगा कि एग्जाम में आप रह जाएँ। यकीन करिए कि आपको हिंदी, जीके, जीएस और आपकी मूल विधि, ये जो आपके होते हैं, पूरी तरीके से आप बिल्कुल रट जाएंगे। उम्मीद है कि जब तक पेपर आपका होता है, वैसा ऐसा कोई टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा लोग हो जाएंगे उतने ज़्यादा वीडियो आएंगे, उतने अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम पे भी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, जितने लोग जुड़े सभी लोग लाइक करके ही जाएं। ठीक है, तो पसंद आया है ना, और पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टाइम टेबल हमने आपको बता दिया है कि सुबह 7 बजे एक वीडियो होगा, जो कि अनिवार्य रूप से सबको पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अनिवार्य रूप से सुबह 7 बजे वाला जीके आपको पढ़ना होगा। ठीक है, वो जीके आपका कंबाइंड होता है, हर एक एग्जाम के लिए होता है। ठीक है, अच्छे लेवल होते हैं और काफ़ी कठिन लेवल के भी प्रश्न होते हैं, वो कंबाइंड होता है। और इसके बाद 10 बजे भी आपको देखने को मिलता है, सुबह 10 बजे, फिर 5 बजे, 8:30 बजे। ठीक है, और कह सकते हैं इस प्रकार से क्लासों का आपका शेड्यूल है लगभग, जो कि क्लियर रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, देव जी के ट्रिक सर्च करिए टेलीग्राम पे, और उसमें से आप जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।